अध्यापक संघ राज्य अध्यक्ष बोले, पेंडिंग डीए जारी कर कर्मचारियों को भी जश्न मनाने का मौका दे सुक्खू सरकार। संघ के स्टेट प्रेसिडेंट बोले, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को साल में महज एक बार नियमित करने की सरकार की नई पॉलिसी कर्मचारी हित में नहीं। वीरेंद्र चौहान ने याद दिलाया, कर्मचारियों की बदौलत ही हिमाचल में सत्ता में आई सुक्खू सरकार। 11 दिसंबर को कांगड़ा में होने वाले प्रदेश सरकार के सालाना जश्न से पहले डीए व एरियर जारी करने की घोषणा की अपील की। सीएमओ उनके मंत्री कई बार बता चुके हैं, कर्मचारियों की लंबित देनदारियों को भारी भरकम लोन लेने का एक मुख्य कारण। राजकीय अध्यापक संघ की हिमाचल प्रदेश इकाई ने 11 दिसंबर को एक साल का कार्यकाल पूरे होने पर कांगड़ा में भव्य समारोह आयोजित कर रही सुखविंदर सुक्खू सरकार से कर्मचारियों को भी जश्न मनाने का मौका देने की अपील की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कर्मचारियों की बदौलत सत्ता में आई इस सरकार से एम्प्लॉयज अथवा शिक्षकों को काफी उम्मीदें हैं और डीए की 3 पेंडिंग किस्तों के साथ साथ 11 दिसंबर से पहले सीएम द्वारा एरियर जारी किए जाने संबंधी घोषणा की भी उन्हें पूरी उम्मीद है। स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को रेगुलराइज किए जाने संबंधी नई पॉलिसी का टीचर्स एसोसिएशन ने विरोध किया और पुरानी नीति को ही फिर से लागू करने की मांग की। राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि यदि इस पॉलिसी में अनुबंध कर्मचारियों को साल में महज एक बार नियमित किए जाने का प्रावधान है तो यह फैसला कर्मचारी हित में नहीं है और इसे तत्काल बदलना चाहिए। अनुबंध कर्मचारियों के नियमितकरण संबंधी नई पॉलिसी को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। इसके अलावा पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने शिक्षा की में सुधार लाए जाने के लिए अध्यापकों द्वारा किए जा रहे प्रयास व संघ के सुझाव को लेकर भी अपनी बात रखी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और उनके मंत्री अपने एक साल के कार्यकाल में भारी भरकम लोन लेने का एक मुख्य कारण कर्मचारियों की देनदारियां अथवा डीए बकाया होना भी बार बार बता रहे हैं। बहरहाल सालाना जश्न मनाने जा रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार से राजकीय अध्यापक संघ ने 11 दिसंबर से पहले लंबित देनदारियां जारी करने अथवा इस बारे घोषणा करने की अपील की है। यह कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई के बारे में जो नोटिफिकेशन आई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका मैं भी विरोध करता हूं। हालांकि नोटिफिकेशन अपने आप में अधूरी है, उसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि साल में एक बार ही नियमित होंगे। उन्होंने सिर्फ 31 मार्च 2024 का वाला उस नोटिफिकेशन में दिया है। कुछ उन्होंने कुछ नए उसमें पैरामीटर्स बनाए हैं कि ये मापदंड रेगुलेशन के टाइम देखे जाएंगे। अगर ये इसका मतलब ये है पर्सनल डिपार्टमेंट का कि साल में एक बार ही नियमित होंगे तो गलत है। जो व्यवस्था चल रही है सरकार को उसके साथ चलना चाहिए। सरकार को इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर्मचारी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को लाने में कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कर्मचारियों का बहुत बड़ा विश्वास भी सरकार के साथ है। और हम मांग करते हैं कि जिस तरह कर्मचारियों का विश्वास है सरकार भी उसके ऊपर खरी उतरे। सरकार का एक साल का भी कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, उसका बड़ा जश्न भी हो रहा है और उसमें हम सरकार से मांग भी करते हैं कि जश्न के तौर पर कर्मचारियों को भी आप जश्न मनाने का मौका दे और हमारी 3 डीए की किस्तें पड़ी है उसके ऊपर भी सरकार गौर फरमाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। और इसके ऊपर भी सरकार गौर कर रही है और शायद जल्दी हमें जो है डीए की किस्तें, हमारा जो एरियर कुछ और जो हमारे भुगतान है या फिर पे एनोमली पे कमीशन की तरफ से बहुत ज्यादा पिछले पे कमीशन में रही है उसके ऊपर सरकार गौर कर रही है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। 11,000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का और डीए की किस्त देने के लिए भी वो हमारे पर कर्जा छोड़ चुके हैं। पे देने के लिए हमने जो व्यवस्था बना रहे हैं उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ और लोन भी उठाया जाएगा, जयराम ठाकुर जी कुछ जानते हैं कि उन्होंने हमको कितने कर्जे के बोझ के नीचे दबाना था।